विवेक और आज हम बात करने जा रहे हैं जैक हाजमा के उस मॉर्निंग ट्रेनिंग रूटीन के बारे में, उन वर्कआउट्स के बारे में जिससे कि वो एकदम मॉन्स्टर बन गया, और साथ ही साथ उसके स्टेरॉइड साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। और इस चीज को हम एकदम एंटरटेनमेंट पर्पस के तौर पर जानेंगे। कुछ भी चीज को ट्राई करने की मत सोचना यार। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार इस वीडियो में ऐसा मिक्सचर है कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जैक का मॉर्निंग रूटीन क्या है, स्टेरॉइड साइकिल क्या है, फलाना ढिकाना, सब चीज इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाली है। और कुछ बचे तो कमेंट में पूछ लेना। चलो शुरू करते हैं। जैक को शुरू से ही बस स्ट्रांग बनने की भूख थी, तो इसलिए वो ओवर ट्रेन कर बैठा था अपने शरीर को, एकदम जैसे उसे किसी ने कब्जा कर लिया हो, पोजेस्ड हो गया हो, उस तरीके से बस बैक्स को पंच करता रहता, एक ही तरीके की ट्रेनिंग करता ही रहता था। उसका पूरा शरीर ओवर ट्रेन होकर सूख गया था। बचपन से ही वो बहुत ज्यादा मेहनती है, उसे न्यूट्रिशन के बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत। जैसा कि इस पैनल में हम देख रहे हैं जो कि बाकी राहिन से है, यहाँ पर किस तरीके से लिटिल जैक हैंड स्टैंड कर रहा है, उसके आंखों से खून आने लगा है, इसका मतलब कितने लंबे समय तक इसने किया होगा, सोचो। खैर ऐसा ही अपनी इस दयनीय स्थिति को लेकर एक दिन वो डॉक्टर जॉन से मिलता है, और यहाँ पर डॉक्टर जॉन उसे एक स्टेरॉइड देते हैं, एक ऐसी दवाई जो कि यूजीरो के मदद से उन्होंने बनाई होती है। दरअसल वो यूजीरो की ताकत से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, उस चक्कर में उनसे इंस्पायर होकर ये ड्रग्स उन्होंने बनाए होते हैं, और यहाँ पर जैक को भी दिया होता है यूज करने के लिए। अब जैक इसे लगातार यूज करना शुरू तो कर देता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। डॉक्टर जॉन ने शुरुआत में एक हफ्ते का साइकिल चलाया था जैक के ऊपर, और यहाँ पर जो है उसे लेने के बाद जैक तो सच में पागल सा हो गया था। उसे नींद नहीं आ रहा था तथा हर छिद्र से खून बह रहा था। उसके भयानक तकलीफ सहने के बाद फाइनली हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉन को वो रिजल्ट्स दिखने लगते हैं जैक में, जो कि उन्हें हमेशा से देखने थे। अब यहाँ पर जैक का मेन मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है डॉक्टर जॉन के गाइडेंस में। पहले तो उसे फेलियर तक दौड़ लगाया जाता है, क्रिटिकल हालत होते तक, जैक जब पूरी तरीके से मर जाए, थक जाए, तब जाकर वो लोग रोकते हैं। उसके बाद वही नॉर्मल एक्सरसाइज जो कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स करते हैं, बेंच प्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जैक के बारे में एक बात बताऊं तो वो अपने लार्जर मसल्स को ज्यादा ट्रेन करता है, जैसे कि थाइस, चेस्ट, शोल्डर्स, बैक वगैरह वगैरह, ट्रैप्स हो गया, और भी बहुत सारे बड़े मसल्स जो होते हैं इंसान के शरीर में, वो सबको वो क्रिटिकल लेवल तक ट्रेनिंग करता है। उसके वॉल्यूम की मतलब क्या ही बात कहें यार, हम तो फेलियर भी नहीं जा पाते, वो क्रिटिकल तक जाता है। साथ ही साथ अपने ये 3-4 घंटे की भयानक ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि जैक जो है खाना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो अपनी दवाइयां खाता है, अपने ड्रग्स ले लेता है, उसके बाद तुरंत ही वो निकल पड़ता है रेस्टोरेंट की ओर, और यहाँ पर बड़े 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 स्टेक्स एक ही बार में खा जाता है यार, ये मतलब प्रोटीन इंटेक भी पूरा भरपूर है इस आदमी का। यार क्योंकि 6 फुट 5 इंच की जैक की पहले से बहुत अच्छी हाइट है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग जैक हो गया, अच्छा खासा मसल मास भी उसने होल्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बाकी द्वारा पेला गया। फिर यही वो समय था जब जैक ने पहली बार अपनी एक्सटेंशन वाली सर्जरी करवाई, जिससे कि उसका हाइट और ज्यादा बढ़ गया, और क्या तो पैकेज लेकर वो सामने आया यार, क्या गजब की बॉडी बन गई जैक की, एकदम जाइगेंटिक। और यही पैकेज लेकर के उसने पिकल से लड़ाई की, उसमें भी वो पेला गया, तब जाके जैक हाजमा की पूरी जिंदगी पलट गई और उसे समझ आया कि उसे क्या करना है। जैसा कि पहले रूटीन था जैक हाजमा का, सुबह उठो, स्टेरॉइड लो, मेहनत करो, स्टेरॉइड लो, स्टेक खाओ, स्टेरॉइड लो, ऐसे ये सब उसने हटा करके थोड़ी मीनिंग ऐड करी अपने लाइफ में, और यहाँ पर गाउडू टेक्निक को उसने इस्तेमाल करना शुरू करा, उसे ट्रेन करना शुरू करा। और यहीं पर तो मेन पॉइंट है, यहाँ पर जैक ने अपना रूटीन पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, स्टेरॉइड वही ले रहा है, सब चीजें वही कर रहा है, लेकिन गाउडू को ट्रेन कर रहा है, साथ ही साथ अपने शरीर को अलग तरीके से वो ट्रेन करता है। अब पहले की तरह वजन यहाँ वहाँ नहीं उठाता, एकदम क्रिटिकल ट्रेन तो करता है, लेकिन कैलिथेनिक्स की मदद से अपने भारी भरकम शरीर को और ज्यादा लचीला और अच्छा बनाता जा रहा है वक्त के साथ साथ। अगर जैक की ओवरऑल और बॉडी की बात करें कि कैसे वो रियल लाइफ में बनाई जा सकती है, तो ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं, वो सिंपली एक बॉडी बिल्डर की तरह ही ट्रेन करता है। जैसे कि ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर ले लो मार्कस राहुल, इनकी स्टेरॉइड साइकिल को देख लो, कहकी 1000 mg इन्होंने स्टेरॉइड ले रखी है, सेम ऐसा ही जैक का है, लेकिन बस वो X4 नाम का एक स्टेरॉइड लेता है जो कि उसके हाजमा ब्लड में ही सूट करता है, कोई और लेगा तो मर जाएगा वो। कुल मिलाकर अगर आपको भी जैक हाजमा जैसा शरीर बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको पूरी चाह छोड़नी होगी, खाने की, पीने की, जीने की, यहाँ तक की लड़की औरत हर चीज
चीज़ आपको छोड़नी होगी, उसके बाद ही आप जैक के इस लेवल में पहुंच पाएंगे, तब जाके आपकी बॉडी ऐसी बन सकती है। एक्सफोस्टेरॉइड वैसे भी कोई ले नहीं सकता, ले भी लिया तो पचा नहीं सकता, वैसे भी वो फिक्शनल है। साथ ही साथ अगर पूरे के पूरे निचोड़ को अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर जो है, जो कि जैक से थोड़ा सिमिलियर मुझे लगता है इतने स्टेरॉइड यूज के बाद, तो वो मार्कस राहुल ही है, क्योंकि ये आदमी नहीं लिटरली टैंक थे। खैर, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में मुझे बताना मत भूलना, साथ ही साथ आपको जो सिमिलर लगता है जैक से ऐसा बॉडी बिल्डर भी बताना। खैर, वैसे भी जैक के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है, जितना बताया गया है उन सबका निचोड़ ला करके मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। आई होप आपको पसंद आया हो। लव यू ऑल, आई एम आउट।